वेलकम टू माय क्लास चैनल। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन है क्या, सिंप्लीफाई करना है हमने स्क्वायर रूट 44 को। क्या करेंगे, जो स्क्वायर रूट के अंदर नंबर है सबसे पहले तो उसको यहाँ पर राइट करो और उसके क्या कर लो, प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। तो प्राइम फैक्टर्स फाइंड हम जब करते हैं रूल ही होता है, यहाँ पर प्राइम नंबर्स ही लेने होते हैं, आप यहाँ पर कंपोजिट नंबर्स नहीं ले सकते। हमारे पास प्राइम नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 2 से। 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, देन 5 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, 11 प्राइम नंबर है, सो ऑन। प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, ऐसे नंबर जो कि सिर्फ अपने टेबल में ही आते हैं, ऐसे कह लें ऐसे नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, एक नंबर 1 और एक नंबर वो खुद। तो हम यहाँ पे जो है क्या रूल होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे काम करते हैं कि डायरेक्ट यहाँ पे बड़ा नंबर ले लेते हैं, 11 से भी सॉल्व होता है या जो है 4 से। तो आपने ऐसा नहीं करना, 4 तो वैसे भी नहीं ले सकते, प्राइम नंबर नहीं है। यहाँ पे प्राइम नंबर लेने मैंने पहले बता दिया। अच्छा, उसके बाद आपने ये काम करना है कि अगर ये नंबर 2 से डिवाइड होता हो ना तो आपने लेना ही यहाँ पे 2 है, फिर आपने बड़े नंबर की तरफ नहीं जाना। 2 से नहीं सॉल्व होता फिर देखना कि 2 से नहीं होता आप 3 से चेक कर लो, 3 से होता है तो ठीक है कर दो, नहीं होता तो फिर आगे देखो 5 से, 5 से भी नहीं होता फिर देन चेक करो 7 से। तो ये 2 से हो रहा है तो हम यहाँ पर 2 ले लेते हैं। 2 कितने टाइम, 44 होता है, 22 टाइम। अगेन 2 ले सकते हैं तो यस, 2 कितने टाइम, 22 होता है, 11 टाइम। अगेन 2 ले सकते हैं तो हम यहाँ पर 2 नहीं ले सकते, बिकॉज जो 11 है ना वो 2 से डिवाइड नहीं होता, डिविजिबल बाय 2 नहीं है। इसी तरह 11 डिविजिबल बाय 3 भी नहीं, हम यहाँ पे 3 भी नहीं ले सकते। 11 डिविजिबल बाय 5 भी नहीं, हम यहाँ पे 5 भी नहीं ले सकते। 11 प्राइम नंबर ही अपने टेबल में आएगा तो हम यहाँ पे 11 ही ले लेंगे। हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लिए, 2 2 11 आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ना स्क्वायर रूट लगाएंगे। 44 के फैक्टर्स फाइंड किए वर्टिकली आए, हम इसको हॉरिजॉन्टली लिखते हैं एज ए प्रोडक्ट, 2 2 और 11। और फिर आगे क्या कर लेंगे, 2 2 टाइम है तो 2 का स्क्वायर कर देंगे और ये 11 एज इट आ जाएगा। फिर हमारे पास क्या हो जाना, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाना, ये 2 बाहर आ जाना है स्क्वायर रूट से और ये वाला 11 स्क्वायर रूट के अंदर ही रह जाना। इस तरह से ये आंसर आ जाना है। ओके, समझ आया है। पहले जो नंबर है ना, जो भी नंबर हो उसको प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लो, देन उसको हॉरिजॉन्टली लिखो, देन आपने 2 का स्क्वायर कर लेना है। 2 का स्क्वायर क्यों करना है, क्योंकि हमें पता है स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है। तो जहाँ भी आपको जो एक नंबर है 2 टाइम्स नज़र आए ना तो उसको ये काम कर लो। और 11 भी 2 टाइम्स होता है तो 11 का भी स्क्वायर कर लेते, फिर 11 भी स्क्वायर रूट से बाहर आ जाना था, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाना था, लेकिन 11 1 टाइम ही था तो इसलिए 11 स्क्वायर रूट के अंदर ही रह गया। इस तरह से आंसर आ गया। यहाँ पर एक दो और क्वेश्चन देख लो। जैसे 36 है, प्राइम फैक्टर्स फाइंड किया, 2 2 3 3 आया तो 2 का स्क्वायर कर दिया, 3 भी 2 टाइम 3 का स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये भी 2 बाय, ये भी 3 बाय, इनको मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया। फिर यहाँ पे 32 को देखो तो 2 हमारे पास 5 टाइम्स आ गए, 2 2 का स्क्वायर कर दिया, 2 का स्क्वायर कर दिया, 2 1 टाइम आ गया, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये भी 2 बाय, ये भी 2 बाय, ये 2 स्क्वायर रूट के अंदर, फिर मल्टीप्लाई हुआ ये आ गया और ये इस तरह से आ गया। और क्वेश्चन चाहिए इसी टॉपिक पे आप चेक कर सकते हो, चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ, सिंप्लीफाई के नेम से प्लेलिस्ट, वहाँ पर आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।